वेलकम एवरीवन टू राकेश द्विवेदी प्रोडक्शन एंड गाइस आज हमें सेलिब्रिटी फेस अहमदाबाद में हमारा यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव इवेंट था विद एक बहुत ही नए टिकटॉक स्टार के साथ. बिफोर आई अनाउंस द नेम ऑफ दैट टिकटॉक स्टार उनके बारे में कुछ बता देता हूँ. उनके जो कंटेंट सारे ही वायरल होते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट खुद वो क्रिएट करती हैं और वो आती हैं बहुत ही बढ़िया शहर से जो कि बिहार से वी हैव अ टिकटॉक स्टार मनीषा रानी. वेलकम मनीषा टू सेलिब्रिटी फेस अहमदाबाद. तो मनीषा पहले तो ये बताइए बिहार से आप मुंबई का सफर कैसे तय किया और कैसे एक टिकटॉक स्टार बन गई घर बैठे बैठे. ओके, तो मैं थोड़ा सा लंबा बोलूंगी. चलेगा. तो मैं बिहार से हूँ तो मेरे को पहले हीरोइन बनना था. फिर मैं जैसे एक बड़ी हुई तो मैंने देखा कि मेरे हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं सोची हटाओ इसको मतलब हाँ. उसके बाद मेरे को डांसर बनना था. फिर मैं कोलकाता जाके वन ये डांस सीखी. डांस इंडिया डांस सीजन 5 में मैंने ऑडिशन दिया. टीवी राउंड तक भी गई. उसके बाद फिर फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती थी. फिर वापस बिहार चली गई. फिर मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया. 8 मंथ मैंने टिकटॉक के साउंड पे बनाया जिसमें मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए. उसके बाद मैंने ऐसे कुछ भी अनस्क्रिप्टेड बोल दिया और वो रात को वायरल हो गया. तो मैंने सोचा जब मेरा कुछ भी ऐसे बोला हुआ वायरल हो सकता है तो मैं अगर कुछ सोच के कंटेंट बना के लिखती हूँ तो मे बी सबको पसंद आए. तो मैंने स्टार्ट किया और फिर देखो मैं 1 मंथ में मेरे 1 मिलियन फैंस हो गए हैं. फिर राइट नाउ मेरे 2.5 मिलियन हैं और सबको मेरी कंटेंट मेरे वीडियोस बहुत पसंद होता है. सब मेरे को बहुत पसंद करते हैं. मैं सबकी फेवरेट हूँ क्योंकि सब कहते हैं टिकटॉक में सारी लड़की मेकअप करती है, डांस दिखाती है, जलवा दिखाती है, व्हाटएवर. बट जो मैं करती हूँ वो सबसे डिफरेंट है क्योंकि मैं सबको हंसाती हूँ और जो कहती हूँ वो रियलिटी बेस्ड होते हैं. लड़की पे भी, लड़के पे भी और घर के कहानी पे भी व्हाटएवर जो भी बोलती हूँ वो एकदम मस्त रहता है. मतलब जो लड़की कभी बोल नहीं पाएगी मैं वो बोल देती हूँ क्योंकि जो रियलिटी सो रियलिटी किसी ना किसी का तो होता है. ये 5-6 बॉयफ्रेंड आप बिना सोचे कंटेंट बनाती हैं राइट. आप ये नहीं सोचती कोई बुरा मान जाएगा ये मान जाएगा. आप कुछ भी बोल देती हैं. आप कुछ भी बोल देती हैं और वही लोग को पसंद आते हैं क्योंकि रियलिटी लोग नहीं बोलते हैं ना फोकस इसलिए. आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो सबसे ज्यादा आपने यूज किया अपने वीडियोस में. मेरा फेवरेट नहीं बट मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो मैं बोल सकती हूँ. ठीक है बोलती हूँ. बताइए. जिसको देखो औधी बौधी काली कलूटी सब लड़की का बॉयफ्रेंड है. एक मेरा ही नहीं है. इतनी खूबसूरत है पर साला कोई लड़की नहीं मिलता और मिलता भी है तो उड्ढा बुढ़ा. पता नहीं लड़का कब मिले. ओके बस आगे मत बढ़िए मैं समझ गया पूरा कंटेंट गाइस देख सकता हूँ. आई थिंक पहला वीडियो वायरल हो तो आई थिंक उसमें मेरी भी ले ली है थोड़ा भी. मैं समझ गया बातों को. नहीं मैंने आपको बट वो तो मैं समझ गया बात को. मैं समझ गया कोई बात नहीं. अब आगे हम नहीं पूछेंगे ज्यादा कंटेंट के बारे में. पता चला मेरी ही ले ली. वो देख सकते हैं अभी इस वीडियो में. तो ये बताइए मनीषा पहला इवेंट आपका सेलिब्रिटी फेस के साथ है वो भी अहमदाबाद में. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था. मैंने बहुत सारा फोटोशूट कराया अपने फैंस के साथ और यहाँ पे मैंने बहुत सारी काफ़ी वीडियोस बनाई. और ये सारे सेलिब्रिटी फेस के जितने भी मेंबर हैं सब बहुत अच्छे हैं. आई फील सो कम्फर्टेबल. एक फैमिली जैसा लगा. आई लव देम सो मच. एंड आप भी बहुत अच्छे स्मार्ट है. यू हनी सिंह जैसे तो बहुत स्मार्ट है. देख सकते हैं मनीषा के बारे में यूनिक. उनकी बातें नटखट है, इम्प्रेस भी करती है, हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है, प्लस किसी को कंफर्ट लेवल से अनकंफर्ट भी बना देती है. वन पीस नहीं आप एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आई थिंक बॉलीवुड को चाहिए. एंड आई थिंक आपकी बॉलीवुड जर्नी या टीवी जर्नी कब स्टार्ट होने वाली है. एक्चुअली मेरा एन टी वी पे एक सीरियल साइन हुआ है गुड़िया हमारी सब पे भारी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ साइन हो गया और जल्दी वो शूट स्टार्ट होने वाला है फेब के फर्स्ट वीक में. तो आप एज अ लीड आएंगी उसमें या किसी कैरेक्टर के फ्रेंड. आऊंगी मैं एज अ टिकटॉक स्टार ही उस सीरियल में भी. एक्चुअली मैं जैसी हूँ वो डायरेक्टर को भी मैं मुझे वैसी ही चाहिए तो उसने मुझे वैसे ही सीरियल में एक्चुअली रोल भी दिया जो लड़की बहुत मस्त है बिंदास है और समथिंग लाइक. बहुत बढ़िया. ये बताइए आप बिहार से आती हैं बिहार की जनता को क्या बोलना चाहिए. इतना प्राउड फील करा रही पूरे बिहारी लोग बहुत अच्छा
फील करते हो और सब कमेंट करते हैं एक बिहारी सबसे भारी, तो क्या बोलेंगे अपने फैंस को? मैं फैंस को ये कहूंगी कि मैं बिहार की पहली एक ऐसी बंदी हूँ, इवन मैं मुंगेर की ऐसी पहली बंदी हूँ जो टिकटॉक में इतनी फेमस हुई है, जो डांस में गई है, जो हीरोइन है, जो वन पीस है, जो कुछ भी करती है। मतलब मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लोग स्टडी के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं, बोलो जी हाँ, स्टडी के लिए भी बाहर नहीं जाते और 6 बजे के बाद भी घर से नहीं निकलते, और वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ। सो आई मेरे को खुद में भी लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बनूंगी, खास करके बिहारी लोगों की। और बिहारी आप लोग प्लीज मुझे ऐसी सपोर्ट करें, और बिहारी नहीं अभी तो मैं सबकी फेवरेट हो गई ऑल इंडिया, तो आप लोग सब मेरे को फॉलो करो, लाइक करो, लव करो और ऐसी सपोर्ट करो। तो मनीषा आपसे ये जानना चाहेंगे आपके फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन कौन है? मेरे फेवरेट टिकटॉक स्टार आवेश दरबार है, मेरे को बस वो अच्छे लगते हैं और सब अच्छे बनाते हैं, बट मेरा फेवरेट वो है। Because वो original content बनाते हैं इसलिए? नहीं, actually वो comedy भी करता है और inspiration वाले में वो सारे variety करता है, तो मेरे को कहीं कहीं लगता है कि वो बंदे में सारे qualities है, so I like him. Any female TikTok star जो आपकी favorite हो? कोई नहीं, मैं मेरी favorite था और मेरे जैसे कोई नहीं है इसलिए। कौन से टिकटॉक स्टार को हम एक भी पसंद नहीं करते, कहते हैं कि इसके वीडियो सब बेकार है, कचरा है, कुछ अच्छा नहीं है। कचरा किसी का नहीं, किसी का दिल नहीं दिखा सकता मैं, सब कुछ अच्छा। बिहार के फैंस को क्या बोलेंगे, वो कैसे टिकटॉक स्टार बने, मुंगेर की लड़की इतना आगे बढ़ गई और बाकी लोग कैसे बढ़े आगे, बताइए थोड़ा कुछ। मैं यही बोलूंगी आप लोग में जो भी क्वालिटी जो आप बेस्ट करते हो, कभी ये मत एम्बैरस फील मत करना कि आप कुछ ऐसा करोगे और फिर पब्लिक क्या सोचोगी, सोचेगी हाँ सॉरी व्हाटएवर, हाँ कभी कभी निकल जाता है, हाँ ठीक है। तो आपको जो मन करे बस वो करो और बिंदास रहो कभी कभी, क्योंकि आप जैसे अगर रियल फेस अपना दिखाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे, तो फिर ऐसा किसी को कॉपी मत करो, वैसे रहो जैसे आप है और फिर आप हिट हो जाओगे, ठीक। और किसी से शर्माना नहीं, बस ऐसा ही है। आपकी वीडियोस एडिट कौन करता है? मैं खुद से एडिट करती हूँ और वीडियो भी खुद से बनाती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ, बहुत टैलेंट। और कौन सा फोन यूज करती है अपने फैंस को बताएंगी? आईफोन। मैंने कौन सी सीरीज? आईफोन 6 यूज करती हूँ। मैंने एक साल पहले किसी बंदे को कहा था कि अगर मेरे को आईफोन मिलेगा तो मैं हिला के रख दूंगी, और सच में मैंने वैसा कर दिया। अभी 6 मिला तो इतना हिला दिया है, आईफोन 10 मिलेगा तो क्या करूंगी, 11 मिल गया तो क्या होगा, हाँ हाँ पूरा पटना ही लेगा। उसके बाद सलमान खान से डायरेक्ट में तो मिलना है जाके, हाँ बिग बॉस में काम करने के लिए चाहती हूँ, नेक्स्ट बिग बॉस सीजन में आया। हाँ हाँ मेरे को सलमान खान से मिला यार, 3-4 वीडियो बनाए उसके ऊपर, वो कोई ध्यान ही नहीं दिया है, वो टिकटॉक देखती नहीं होंगी मैं भी, ठीक है एक ना एक दिन जरूर देखेंगे। हाँ मेरे को सलमान खान से मिलना है। थैंक यू सो मच। सलमान खान अगर कभी ये देख लिया तो प्लीज लव यू और मेरे से कॉन्टेक्ट करना। अच्छा एक और लास्ट चीज, बिफोर आई से थैंक यू एंड गुड बाय, आपके फैंस जो नेक्स्ट इवेंट में आना चाहते हैं, जैसे हम दिल्ली में इवेंट प्लान करेंगे और दूसरी सिटीज में प्लान करेंगे, उनको क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उनको? उसके लिए आप सेलिब्रिटी फेस इंस्टाग्राम पे राकेश सर को DM करो और फिर वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और प्लीज आओ आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मस्ती आएगी, इतना मस्ती आप कभी किसी और टिकटॉक स्टार के साथ नहीं करोगे जितना मनीषा रानी के साथ करोगे, तो प्लीज आप आओ और अपनी जिंदगी को और हसीन बनाओ। वाह थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लेट्स क्लैप।